like a firecracker, shaking up the room like a firecracker. Stars looking down, they be shining at her. That firecracker, she's a firecracker. My heart go boom like a firecracker. Hey guys, welcome back to my channel Vidotma Makeover. I hope you well good. आप सभी अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ. तो आज का जो वीडियो है आपको टाइटल ने थंबनेल से पता लग गया होगा. तो ये है अंडर 50 रुपीज मेकअप लुक एंड मेरा ये जो लुक देख रहे हो गाइस जो बहुत ही प्रीटी एंड गॉर्जियस सा हुआ है, इसको मैंने 50 रुपीज के अंदर ही क्रिएट किया है. एंड इस लुक को गाइस आप एज अ वेडिंग गेस्ट, एज अ पार्टी लुक के लिए क्रिएट कर सकते हो, जो कि बहुत ही प्रीटी एंड गॉर्जियस सा हुआ है अंडर 50 रुपीज में. एंड गाइस इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताऊंगी. उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस. उससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, इसलिए बेल आइकन को जरूर हिट करना. ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस अच्छा, तो आज का मेकअप मैं स्किन केयर से स्टार्ट कर रही हूँ. फर्स्ट है मॉइस्चराइजर क्रीम जो कि जॉय का मैंने लिया है. ये आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अंडर 50 रुपीस में मिल जाएगा. लाइक आप इसको ना शॉपसी ऐप से भी बाय कर सकते हो, मिल जाएगा. एंड इसके बाद मैं ले रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल 45 रुपीस में. मैंने इसको ऑफलाइन लिया है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा. एंड इसको मैं अपने हथेली पर लेकर एंड रफ करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा फेस जो है अच्छे से हाइड्रेट हो जाए. इसके बाद मैं ले रही हूँ पेंसिल, आईब्रो पेंसिल, और मैं इसी से ही अपना हमेशा आईब्रो फिल करती हूँ बिकॉज ये पेंसिल मुझे बहुत पसंद है. और इसको भी मैंने ऑफलाइन ही लिया है 25 रुपीस में का. इसमें बहुत से ऐसे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो आपको ऑफलाइन ही मिलेंगे, बट कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे. ठीक है, तो आईब्रो फिल हो गया है. इसके बाद मैं यहाँ पे ये रेड कलर की लिपस्टिक ली हूँ जिसके हेल्प से मैं अपने हाई पिगमेंटेटेड एरिया को ना कलर करेक्टर कर लूँगी. लाइक जैसे ऑरेंज कंसीलर होता है और उसके हेल्प से हम कलर करेक्टर करते हैं ना, तो आप चाहो तो रेड लिपस्टिक, ऑरेंज लिपस्टिक या पिंक लिपस्टिक के हेल्प से भी कलर करेक्टिंग कर सकते हो. और ये आपको अंडर 50 रुपीस में भी मिल जाएगा, तो इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता और ये वर्क भी अच्छा करता है. इसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन, और इसको मैंने शॉपी से ऑनलाइन लिया था और इसको 52 रुपीस में लिया था. आई नो गाइस 2 रुपये मेरे ज़्यादा प्लस में आ रहे हैं, बट इट्स ओके यार, इतना अच्छा फाउंडेशन आपको 52 रुपीस में मिल रहा है, मतलब क्या ही, वो भी फिटमी का जो कि इतना अच्छा ब्रांड है, तो ऑफकोर्स 2 रुपीस में क्या ही जाता है ना, तो इसको इग्नोर करना ठीक है, बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. तो गाइस मैं फिटमी का फाउंडेशन थोड़ा और ले रही हूँ और इसको अंडर आई पे अप्लाई करूँ एज अ कंसीलर, बिकॉज कंसीलर गाइस 50 रुपीस में तो नहीं मिलने वाला. बट एक चीज़ कर सकते हैं कि फाउंडेशन को थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं कंसील वाले एरिया पे. एंड थोड़े बहुत प्रोडक्ट गाइस मैंने नेक पे भी अप्लाई कर लिया था ताकि मेरा जो फेस है वो अलग ना लगे, सेम नज़र आए, इसलिए मैंने वहाँ पे भी अप्लाई कर लिया. थोड़ा बहुत प्रोडक्ट जो ब्यूटी ब्लेंडर में था उसको मैंने एयर पे भी अप्लाई कर लिया. इसके बाद गाइस मैं यहाँ पे वाइट टोन का पाउडर ले रही हूँ और इसको मैं एक कंटेनर में थोड़ा सा निकाल लूँगी और पफ के हेल्प से मैं फर्स्ट अपने अंडर आई को सेट करूँगी, बिकॉज उसे सेट करना बहुत ज़रूरी है. कंसीलर तो था नहीं बट फाउंडेशन से ही हमने जो किया है सो किया है, तो अब हम इसी से अच्छे से सेट कर लेंगे एंड इसके साथ ही पूरे फेस को भी सेट कर लेंगे अच्छे से. इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ADS का ब्राउन पेंसिल और इसके हेल्प से मैं करूँगी कंटूर. और गाइस ये ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, आप देख सकते हो इसको अप्लाई करने पे, ड्रॉ करने पे कितने इजीली ड्रॉ भी हो जा रहा है. एंड गाइस ये उतना ही इजी ब्लेंड भी हो जाता है और इसको मैंने 10 रुपीज़ में लिया था. कैन यू बिलीव इट, 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट गाइस और इतना अच्छा वर्क कर रहा है. आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसने मेरे चीक को कंटूर कर दिया, जो लाइन को भी. एंड गाइस मैं सेम प्रोडक्ट को ही अपने क्रीज पे भी अप्लाई कर रही हूँ, उसको एज अ ट्रांजिशन शेड कह सकते हो. तो मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश के हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. देखो अगर आप ब्लेंडिंग वाले ब्रश के हेल्प से करते हो ना तो उससे अच्छे से स्मच नहीं होगा, बट फ्लैट वाले से करोगे ना तो अच्छे से हो जाएगा क्योंकि वो फ्लैट सा है एंड आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, आप इजीली कर पाओगे. इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ पेंसिल ADS का ब्लैक पेंसिल एंड आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है. एंड इसको भी मैंने 10 रुपीज़ में लिया था. एंड गाइस इसको मैं सेम ब्रश के हेल्प से अच्छे से स्मच कर लूँगी. आप जितना अच्छा स्मच करोगे आपका आई लुक उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा और उतना ही दिखने में सुंदर लगेगा, ठीक है, तो आप अच्छे से स्मच करना. इसके बाद मैं यहाँ पर लिपस्टिक ले रही हूँ ये वाला और इस ब्रश के हेल्प से मैं करूँगी क्रीज कट. आप सोचो कि लिपस्टिक से कोई क्रीज कट करता है, बट गाइस
अंडर 50 रुपीज में आपको कोई कंसीलर नहीं मिलने वाला, सिर्फ लिपस्टिक से ही काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से क्रीज कट कर लूँगी। तो फर्स्ट एक तो इससे क्रीज भी कट हो गया, सेकंड ये आपको एक अच्छा सा बेस भी दे दिया। एंड इसके बाद हम इस पर जो ग्लिटर अप्लाई करेंगे ना, वो उसको अच्छे से चिपका भी लेगा। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये वाला ग्लिटर पिंक कलर का, और गाइस ये ना बहुत ही अच्छे से जा कर के ना बैठ जाएगा। ग्लिटर को आप ब्रश के हेल्प से ही अप्लाई करें ताकि वो इधर उधर ना फैले, और बहुत ही कामली अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद जो मेरे फेस पे फॉल आउट हुआ है ग्लिटर का, उसको मैं अच्छे से ना रिमूव करूँगी। और उसके लिए जो मेरे कंटेनर में थोड़ा सा पाउडर बचा है ना, इसको मैं ब्रश में ले लूँगी और जो फॉल आउट हुए ना उसको अच्छे से रिमूव कर दूँगी इसके हेल्प से। ऐसे करने से क्या होता है कि आपका फॉल आउट अच्छे से रिमूव भी हो जाता है, फेस पर बिल्कुल भी नहीं रहता और आपका बेस भी ख़राब नहीं होता। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्लू हेवन का आई लाइनर, और ये आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा, कहीं भी किसी भी मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। और इससे मैं यहाँ पे कैटी आईलाइनर अप्लाई करने वाली हूँ, और कैटी आईलाइनर का इसमें मुझे बहुत पसंद है। एंड मैं यहाँ पे हाफ आईलिड पे ही अप्लाई करूँगी, फुल अप्लाई नहीं करने वाली। एंड बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे मैंने आईलाइनर ड्रॉ किया है। इसके बाद अगेन मैं यहाँ पे ले रही हूँ एडीएस का ब्राउन पेंसिल, और इसको मैं अपने लोअर आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। आराम से ही अप्लाई करना है ताकि ज़्यादा फैले ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। इसके बाद मैं स्मॉल ब्रश के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, स्मर्ज करना है ताकि आई लुक एकदम परफेक्ट दिखे। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लू हेवन का ये मस्कारा। अगर आप डेली वेयर के लिए कोई अच्छा से मस्कारा ढूंढ रहे हैं ना, तो आप ब्लू हेवन के इस मस्कारा के साथ जा सकते हो। ये आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा इजीली मार्केट में, और ये डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको मैंने अपर लैसेस एंड लोअर लैसेस पे अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये एडीएस का पेंसिल ब्लैक, और इसको ना मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी, वाटर इनर कॉर्नर पे, ताकि जो मेरा आई है ना वो थोड़ा बड़ा दिखे और अच्छा भी लगता है। तो गाइस इसके बाद फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये लिपस्टिक पीच कलर का, जिसको हमने पहले क्रीज कट किया था, और इसी पीच शेड का मैं एज अ ब्लश भी अप्लाई करूँगी। पीच शेड वाले ब्लश गाइस मुझे बहुत पसंद हैं, और ये इजीली ब्लेंड भी हो जाएगा। तो मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हो ये बहुत इजीली ब्लेंड हो गया है, और बहुत ही अच्छा से इसने मेरे चिक पर टमाटर सा लुक दे दिया है। बहुत गॉर्जियस लुक लग रहा है यहाँ पर मेरा। तो गाइस ब्लश तो मेरा यहाँ पे हो गया, और बहुत ही प्रीटी लग रहा है ब्लश करने के बाद। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एडीएस का पेंसिल, एंड इसको गाइस मैं नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कंटूर मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, एंड फिंगर के हेल्प से ही मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हो बहुत ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये शिमर ले रही हूँ, एंड आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा शाइनिंग भी कर रहा है। तो इसके हेल्प से मैं अपने नोज़ को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी, एंड ब्रश के हेल्प से मैं अपने चिक को भी अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। आई नो ये कैमरे में उतना शो नहीं हो रहा है, बट ये आपको ना रियल में जब आप अप्लाई करोगे ना तो ये शो होगा। और इसको भी गाइस मैंने 20 रुपीज़ में लिया था ऑफलाइन मार्केट से। इसके बाद मैं यहाँ पे ये लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, और इसको मैंने 20 रुपीज़ में लिया था ये पिंक लिप लाइनर। तो इससे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी लिप्स पे, एंड उसके बाद गाइस पूरे लिप्स पे अप्लाई कर लेना है मैंने। तो गाइस जो इसका कलर है ना वो बहुत डार्क है, डार्क पिंक है, आप देख सकते हो लाइक मेरूनी शेड है ये। तो इसके ऊपर ना मैं ये लाइट सा ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, मिनी लिपस्टिक है, इसको मैंने 10 रुपीज़ में लिया था। तो इसको अप्लाई करने के बाद ना मेरा जो लिपस्टिक का शेड है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, काफ़ी ज़्यादा न्यूड हो गया, एंड ये बहुत अच्छा लग रहा था मेकअप के साथ, ये पूरा मैच हो रहा था। एंड आप देख सकते हो मेरा ओवरऑल लुक का इस यहाँ पर डन हो चुका है। आई होप मेरा ये मेकअप लुक आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि मेरा ये मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।